तुनिशा और शिजान के बीच में आखिरी कुछ घंटों में क्या क्या हुआ था? इन दोनों के साथ ही मौजूद अब एक दोस्त ने कई खुलासे किए हैं। उसने बताया, आप जानते ही हैं कि इस बात का दावा किया गया था कि पुलिस के हाथों में सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो इन दोनों के बीच में बहस हुई थी। लेकिन अब जो है, उस दोस्त ने ये बताया कि आखिर आखिरी के कुछ घंटों में इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ। और 24 दिसंबर, जब तुनिशा ने अपनी जान दे दी, उसके बाद भी ये दोस्त जो है लगातार शिजान के साथ बना हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए शान शशांक मिश्रा ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया, मैं 24 दिसंबर को उनके साथ ही था, और इस घटना से पहले भी मैं उसके साथ था, पहले हॉस्पिटल में, फिर पुलिस स्टेशन में। तब तक तुनिशा की माँ ने शिजान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। शिजान कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं था, उसके मुंह से तो शब्द भी नहीं निकल रहे थे। शान ने एक्टर को नॉर्मल कपड़े पहने, आप जानते ही हैं कि जब हॉस्पिटल में शिजान तुनिशा को लेकर पहुंचा, उस समय वो अपने सीरियल के कॉस्ट्यूम में ही था। तो शशांक का ये कहना है कि मैंने जो है उसको फिर नॉर्मल कपड़े पहनाए, और मैंने ही जो है, क्योंकि वो इस हालत में ही नहीं था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने जो है उसकी मदद की। वो कहते हैं कि माँ ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी थी और मैं वहीं पर ही था। शिजान अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये क्या हो गया है। जहां तक बात है कि लंच जब ये दोनों ने साथ किया, या मेकअप रूम में जब ये दोनों साथ थे, तो उस दौरान क्या क्या हुआ था, इस पर उसने कहा कि उस समय जो है तुनिशा ने शिजान के साथ जो है रील बनाई थी कुछ समय पहले ही, और थोड़ी देर बाद ही जब उसे ये बात पता चली तो वो भी शॉक रह गया था, क्योंकि जो बहस की बात आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोनों तो साथ में मस्ती कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ था, सेट पर हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अच्छा माहौल था। यहाँ तक कि मुझे जिशान के अलावा लोगों ने भी बताया है कि तुनिशा ने उसके साथ अपने फोन पर एक इंस्टाग्राम वीडियो भी बनाया था, और उनके बीच में कोई भी लड़ाई या बहस नहीं हुई थी। तो ये शान, जो कि उस समय शिजान के साथ ही मौजूद थे, उसने इस तरीके का बयान दिया है कि जो दोनों के बीच में बहस की बात आ रही है, क्या वो सही नहीं। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्हें जो सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसमें इन दोनों के बीच में बहस हो रही हो ऐसा देखने को मिला था। तो कई रिपोर्ट्स और मुंबई पुलिस के बयान के मुताबिक मौत से 15 मिनट पहले तुनिशा और शिजान के बीच में बहस हुई थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शिजान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, और 2 दिन पहले शिजान के परिवार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें बताया था कि कैसे तुनिशा जो है काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी माँ जो है उससे लगातार काम करवाती रही थी। तो अब क्या सच है क्या झूठ, ये जो है पुलिस ही बता पाएगी कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था।